जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार एक तरफ बाढ़ की मार को झेलता है तो दूसरी ओर सुखाड़ से त्राहिमाम रहता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में बिहार के लगभग आधे जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसका खौफ अभी से ही कटिहार जिले के पश्चिमी बारी नगर के गाँव में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ इस समय महादलित टोला बाढ़ के खतरे में है। बरंडी नदी का कटाव इस टोले के लिए खतरा बन गया है, जिसके कारण 575 लोगों की आबादी और 200 से अधिक घरों को खतरा है। आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उन्होंने कई बार बाढ़ नियंत्रण विभाग से स्थायी समाधान की गुहार लगाई है, लेकिन हर साल केवल अस्थायी उपाय किए जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही विभाग द्वारा बोरी में मिट्टी भरकर लगा दी गई है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये जल स्तर बढ़ने पर टिक नहीं पाएगा। स्थानीय लोग कहते हैं, नदी के कटाव के कारण मोहम्मद कयूम, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद वीडियो और मोहम्मद राजा की 5 एकड़ जमीन पहले ही नदी में समा चुकी है। वहीं राजकुमार पासवान, किशुन पासवान, शेखर पासवान, विनोद पासवान, दीपक पासवान, ज्ञानी पासवान और राम विनोद पासवान के घर पहले ही कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं और वे अब इसी टोले में दूसरी जगह रहने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और वे स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नदी का कटाव रोका जाए और उनके घरों और जमीन को बचाया जाए। ये खबर बरारी के लोगों के लिए चिंताजनक है और यह उम्मीद की जाती है कि बाढ़ नियंत्रण विभाग इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा। क्या कहते हैं स्थानीय निवासी राजकुमार पासवान, सुनिए। पानी का कटाव हुआ है कुछ क्या आपके तरफ इधर? पानी कटाव जिस टाइम पानी बढ़ता है उस टाइम भी कटाव होता है, जिस टाइम घटता है उस टाइम भी कटाव होता है। अभी जो बोरा का काम किया है, रोड के नीचे बोरा घुसाया गया है, लेकिन जहाँ कटाव था वहाँ बोरा दिया कहाँ? जब बोलते हैं एसी आता है, स्कूटी आता है, जई आता है, सब देख लेता है, चले जाता है। बोलता है हमको 40 ठो बोला है एनसी करने के लिए, 40 एनसी दिया ही कहाँ? 30 से 35 एनसी दिया है, उसके बाद बोरा रोड के नीचे घुसाया। जहाँ कटाव है वहाँ बोरा कहाँ दिया गया? वहाँ तो बोरा दिया ही नहीं है। आज 4 साल से जो है रेगुलर इसका धरना प्रदर्शन होते होते जा रहा है, पटना तक आकर भेजा गया है। अभी तक जो हम लोग को जो कि यहाँ ठोकर के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम सब दिन मांग करते हैं कि एंटी रोजन कर दीजिए, ठोकर दे दीजिए, बोल्डर दे दीजिए, लेकिन किसी भी अफसर ये गांव के लिए नहीं सोचता है, नहीं सुनता। कितने की आबादी है आपका इस बार? यहाँ पे जो है आबादी 300 घर है। 300 घर जो है खतरे में हमेशा रहता है? हाँ, हमेशा खतरे में रहता है। और ये जो है महादलित टोला है, हरिजन है यहाँ पर, टोटल जितना भी घर है सब हरिजन का है और सब यहाँ गरीब आदमी है। किसी के पास अपना डीह के लिए जमीन दूसरे जगह उपलब्ध नहीं है और खरीद भी नहीं सकता है, और जमीन भी दूसरे जगह नहीं है। सरकार इसके लिए व्यवस्था करे और इस टोला को बचाने का कृपया करे। हाँ, यहाँ यही होता है। क्या जो बाढ़ आया, हाँ, बस खाना दे दिया, हाँ, हम कटाव रुका देंगे, कर देंगे, हाँ, पानी सूख गया, उसके बाद सारा अफसर भी सूख गया। सीताराम पासवान आया तो बोला क्या कि आप लोग जो है बांध का बाहर घर बना लिए, हम लोग क्या व्यवस्था कर सकते हैं, ये नहीं होगा। मतलब कि लगा हुआ है चारों तरफ जो है कि कटाव के द्वारा। देखिए जैसे जैसे पानी बढ़ता है ना वैसे वैसे जमीन धंसता है। आज अफसर आया यहाँ बोलता है करेंट होगा तब ना जमीन कटेगा, अभी जमीन तो कट नहीं रहा है। इस लेकर जो वो जो है यहाँ दलित परिवार जो है देख कर लोग ध्यान नहीं दे रहा है। उधर अब तक कितना जमीन कट चुका होगा जो फसल? उधर तो काफी जमीन कट चुका है। कितना कटा हुआ? लमसम हमको लगता है 10-12 बीघा से बेसी कट गया है। आबादी भी कुछ कटी है? हाँ, आबादी भी कुछ कटी है। तो आबादी मतलब कितना कटी होगी? आबादी तो मोटा मोटी जो है 5-7 बीघा कटा है। 5-7 बीघा आबादी भी कट गया। क्या परिचय हुआ आपका? राजकुमार पासवान, पश्चिमी बारी नगर, वार्ड नंबर 1। ग्रामीण हैं आप? जी, हम यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। हम यहीं का अस्थायी निवासी है। और आप एकदम बरंडी नदी के जस्ट बगल में घर भी है? बरंडी के किनारे में है। रेगुलर हम लोग इस चीज़ की आवाज़ उठाते हैं, अफसर आता है देख लेता है, ध्यान नहीं देता है, चले जाता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।